स्वागत हुआ, हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास संविधान नहीं था। ऐसे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 2 years 11 months 18 days के टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। इसलिए हम हर साल आज के दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रेसिडेंट तिरंगा झंडा फहराते हैं। अब मैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन की रियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में रखी हुई है, हीलियम बॉक्स में। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग। फर्स्ट, सोवेरियन, हमारा कोई रूलर नहीं है। सेकंड, सोशलिस्ट, कास्ट, रिलीजियन और कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। फिर थर्ड, सेक्युलर, हम अपनी इच्छा से कोई भी रिलीजियन फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ, डेमोक्रेटिक, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। फिफ्थ, रिपब्लिक, हमारे कंट्री या स्टेट का जो हेड है हम उसको वोटिंग द्वारा खुद चूज करते हैं। अब मैं इसमें यही कहूँगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।